मित्रों क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो यार, लड़के को जबरदस्ती उसकी ही गर्ल फ्रेंड से राखी बंधवा दी। मित्रों आप में से जो भी सिंगल होगा उसका दिल बिल्कुल खुश हो गया होगा। वो बोल रहा होगा कि शुक्र है कोई ढंग का काम हुआ, यानी कि गर्लफ्रेंड से ही राखी बंधवा दी, वो भी पकड़ के। मजा आया। तो चलो यार मित्रों इसी खुशी में फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको यार। अब यहाँ पर देखो यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे और जोड़ी देखो यार कितनी कमाल की है यार। इनको सब्र नहीं है, अब पढ़ लिख लो कौन सी मजबूरी थी जो इनको यार ऐसी हरकतें करनी पड़ी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ध्यान से बच्चे की आंखों की तरफ देखो, अबे ये यहीं पर गिर जाएगा, इसको कहीं ग्लूकोज चढ़वा लो। नहीं बचेगा ये। पहले के बच्चे होते थे अच्छे अच्छे कि पहले के बच्चे होते थे अच्छे अच्छे आजकल के बच्चे हैं दीवार के पीछे। देश बदल रहा है। अच्छा सुनो। हाँ? गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं। गर्लफ्रेंड बनोगी? नहीं। वाइफ बनोगी? हाँ। ओहो मित्रों शक्तिमान देखने की उम्र में ये वाइफ बनेगी अब। वाइफ का मतलब भी पता है तुझे। यहाँ पर 25-25, 50-50 साल के लड़के लड़कियाँ सिंगल बैठे हैं, वो यार रो रहे होंगे इनको देख करके और बोल रहे होंगे कि साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता। लेकिन ये देखो यार बिल्कुल हमारा खून जलाने पर तुले पड़े हैं, इनको सब्र नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। इसने तो यार सिर्फ वाइफ बनने की बात की है, लेकिन यहाँ पर देखो यार बच्चों की वाइफ बन चुकी है, यानी कि बच्चों की वाइफ बच्ची। अब दोनों बच्चे हैं, अब दोस्तों इन दोनों के भी जल्दी ही बच्चे हो जाएंगे। बच्चे नहीं दोस्तों, बच्चे नहीं, दो चुन्नू मुन्नू होंगे। मित्रों अब वो दिन भी दूर नहीं है जब इनको और इनके बच्चों को एक ही नंबर का कच्चा आ जाएगा। और यहाँ पर देखो मित्रों माँ बाप ने भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं मित्रों ये तो प्रपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। अरे प्रपोज छोड़ो यार, सेटिंग, अरे मतलब कि सेटिंग कर ली दोस्तों। और यहाँ पर देखो यार निब्बी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, यानी कि इसका बाबू किसी और के साथ शादी कर रहा है, वो भी बाल विवाह। तब यार इसको दुख हो जाता है कि तुमको मेरे साथ शादी करनी थी। देखो यार क्या क्या बोल रही है। ओहो मित्रों नया तरीका आया है शादी करने का, वो इसे आई लव यू बोलेगा, ये उसे आई लव यू टू बोलेगी और हो जाएगी दोनों की शादी। मित्रों बस इतना ही है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, मतलब कि कोई लफड़ा नहीं, कोई मेहंदी नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई कुछ नहीं। मित्रों सीधा ही आई लव यू बोलो, आई लव यू टू बोलो और शादी हो गयी। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। अरे एक बार अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बता दो, क्या तुमने कभी मरना नहीं है? क्या तुमने अपने रब को जवाब नहीं देना? किस बात की अकड़ है तुम्हें? हाँ अरे मट्टी का बना आज मट्टी के ऊपर है, कल मट्टी के नीचे होगा। अरे सांप खाएंगे बिच्छू खाएंगे तुझको। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जरा सुन कर जाना मेरा रैप, इन दोनों में बढ़ाओ जरा गैप। आजकल के ये बच्चे नहीं किसी से भी अच्छे, इनको ला कर देने चाहिए रानी के कच्चे। हाँ रानी के कच्चे बोलो, रानी के कच्चे। PM भी बोलते थे दिन आएंगे अच्छे, ये कैसे दिन अच्छे सिंगल लोगों के, देखो फट गए कच्चे। दिन मुझे भी बताओ कब आएंगे अच्छे, जब सुधरेंगे ये आजकल के बच्चे, नहीं तो इन सब के फाड़ दो कच्चे। हाँ 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 फाड़ दो कच्चे, ठा करके फाड़ दो कच्चे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खैर मित्रों कुछ भी कर लो, ये निब्बा निब्बी नहीं हटने वाले। मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का।